हेलो दोस्तों, मैं विकास फिर से आपका स्वागत करता हूँ प्रेजोटेक यूट्यूब चैनल पे। आज फिर से आपके सामने एक प्रिंटर और मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करूँगा। जेब्रा का प्रिंटर है, जेब्रा का ZT230 प्रिंटर है, छोटा प्रिंटर है। नॉर्मल किस बेसिस पे ये यूज़ होता है, कैसे यूज़ होता है, इसके साथ क्या क्या चीज़ होते हैं, मैं वो सारी चीज़ें आपको इस अनबॉक्सिंग में करके दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक मैनुअल इसके साथ दिया जाता है। यहाँ जस्ट एक टेप लगी हुई है, जस्ट इस टेप को मैं यहाँ से ओपन कर देता हूँ। ये आप देख पाएंगे इसमें सेटअप लिखा होता है 1/2 के 1/3। जैसे पहला सेटअप कैसे इसको जेब्रा सेटअप जाके हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं QR कोड के थ्रू। और उसके बाद जो दूसरा मैनुअल्स है आपका ये है, ये आप पोजिशन देख सकते हैं। इसमें 1/1 सेटअप दिया हुआ है कि रोल रिबन रोल और रिबन कैसे लगाने हैं, किस तरीके से लगाने हैं, ये पूरा सेटअप इसके अंदर दिया गया है। इसको हम देख करके वायरिंग कैसे लगानी है, वायरिंग कहाँ लगानी है, वो सब कुछ है इसमें, रोल से रिबन से। और उसके साइडिंग के रोल की पोजीशन कैसी होनी चाहिए और रिबन की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, और वो रोल्स और रिबन्स के जो एक्सेसरीज होती हैं वो कैसे लगाई जाती है, वो सभी इसी मैनुअल्स में दिए गए हैं। तो गाइस ये कुछ उसके इसके साथ एसेसरीज हैं जेब्रा प्रिंटर्स के साथ। ये देख पा रहे होंगे ये रिबन एसेसरीज हैं, ये कोर आईडीज हैं जो रिवाइंड होने की जो जैसे प्रक्रिया होती है, हम किसी रिबन के थ्रू कोई प्रिंट करते हैं और प्रिंट करने के प्रोसेस में एक एसेसरीज एक्स्ट्रा रिवाइंड कोर आईडी इजीली होती है, ताकि जो रिवाइंड जो वेस्टेज होती है वो वेस्टेज को रिवाइंड करे। ये इसका पावर केबल, ये आप देख पा रहे होंगे ये पूरा पावर केबल है एडाप्टर के साथ। ये USB केबल, ये आप देख पा रहे होंगे। बस लुक एट दिस कलर, आप देख पा रहे होंगे काफी अच्छा कलर है इसका। मैं जस्ट इसको खोल देता हूँ। ये देखिए, ये आप देख रहे होंगे जेब्रा का प्रिंटर है। प्रिंटर के पीछे जब USB जो हमारे पोर्ट्स हैं, ये आप देख पा रहे होंगे ये हमारे दो पोर्ट्स हैं USB और पावर ऑन का। जैसे हम इन दोनों चीज़ों लगाने के बाद एक्टिव ऑन करते हैं तो प्रिंटर को ऑन करने की पोजीशन जो है ऊपर एक स्विच दिया हुआ है, उस स्विच को दबाए रखने से ये ऑन हो जाएगा। और दूसरा स्विच जो ये जेब्रा मॉडल के ठीक नीचे लिखा है, ये फीड और पॉज बटन के लिए होता है। फीड जैसे कि कोई पेपर अंदर की तरफ से बाहर करना है, पोज मतलब आपने कोई कमांड दी हुई है और उसको रोकना है, तो रोकने के लिए सिर्फ ये एक ही बटन काम करता है। तो आइए चलो मैं आपको इसमें ओपन करके दिखाता हूँ इसे खुलता कैसे है। ये आप देख पा रहे होंगे स्विचेस, ये दोनों स्विचेस राइट और लेफ्ट दोनों तरफ हैं। आप इसको खोलने के लिए अपनी तरफ थोड़ा सा मूव करेंगे और इसे ऊपर की तरफ खोल देंगे। तो दोस्तों मैंने जैसे ये ओपन कर दिया है, ओपन करने के बाद हमारी जो ये पोजीशन होती है, ये आप देख रहे हैं काफ़ी स्मूथली रिबन जो रोल होता है हमारा, रोल लगाने का जो एरिया होता है काफ़ी स्मूथ है। इसको हम नॉर्मली पकड़ के एक मैक्सिमम लेंथ पे हम इसको ले सकते हैं और रोल की पोजीशन इन कोर्स के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। जो कोर आईडी होती है 1 इंची या 1/2 इंची कोर आईडी में, ये हमारा रोल फॉर्मेट है, रोल लगाने का एरिया। और ये हमारा ऊपर और नीचे की तरफ जो मैंने आपको एसेसरी दिखाई थी येलो कलर की रिबन से रिलेटेड, ये दोनों ही पर्पज़ में आपका
एक इंची कोर आईडी और हाफ इंची कोर आईडी दोनों ही लग सकते हैं। हमारा नीचे वाला प्रोसेस नया रिबन के लिए होता है, हम नया रिबन नीचे लगाते हैं और उसको ऊपर की तरफ रिवाइंड करने के लिए ऊपर की तरफ उसको चिपकाते हैं ताकि वो हमारी वेस्टेज को राउंड करें। तो आप ये देख पा सकते हैं यार, ये हमारा हेड है जो प्रिंट करता है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा हेड है जो प्रिंट करता है, जो भी हम चीज़ प्रिंट करके चाहते हैं वो प्रिंट करके निकालता है। तो गाइस मैं आपको एक बार 1 इंची और हाफ इंची कोर आईडी का मैटर कैसे लगाते हैं, किस तरह से यूज़ होता है और रोल कैसे लगाते हैं वो भी मैं आपको एक बार इसमें दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, आपको मैं रोल लगा देता हूँ कि रोल की पोजीशन मैंने आपको बताई थी ये पोजीशन रहेगी, राइट पोजीशन जो है रोल लगाने की। हम इसको यहाँ से खोलते हैं और खोलने के बाद इसको ठीक पीछे ले जा करके रैपिड करते हैं। राइट और लेफ्ट जो लेबल गाइड होता है वो इसके ठीक नीचे की तरफ से पेपर निकलेगा और ये इस तरह से आगे आ जाएगा। ये हो गया हमारा रोल लगाने का पोजीशन, बहुत सिंपल बहुत इजी, कोई एक्सेसरीज नहीं लगानी है, बस इनको राइट लेफ्ट मूव करना है और इसको लगा देना है। अब मैं आपको इसकी 1 इंची और कोर आईडी दोनों चीज़ें दिखा देता हूँ। तो गाइस आपके सामने मैंने कुछ एसेसरीज खोल के रखी है, ये हमारी जो एसेसरीज हैं ये 1 इंची कोर आईडी के लिए अकॉर्डिंग यूज़ होती हैं। 1 इंची कोर आईडी हम इसको बोलते हैं जो रोल में भी आती है रीजन। इसमें दोनों ही प्लस पॉइंट हैं, 1 इंची कोर आईडी और आप ये देख पा रहे होंगे हाफ इंची कोर आईडी, इन दोनों में फ़र्क है। आप यही दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली होता क्या है कि 1 इंची कोर आईडी में भी रिबन आता है और हाफ इंची कोर आईडी में भी रिबन आता है, और दोनों में फ़र्क ये होता है कि ये 300 मीटर का होता है और वो 70 मीटर तक का ही होता है। प्लस पॉइंट दोनों ही हैं, आपको हाफ इंची कोर आईडी लगाना है, छोटा रिबन लगाना है तो आप हाफ इंची कोर आईडी लगा सकते हैं, और आपको थोड़ा सा बड़ा चाहिए और ज़्यादा रोल से यूज होने के लिए तो आप 1 इंची कोर आईडी भी लगा सकते हैं 300 मीटर वाला। तो मैं आपको लगाना दिखा देता हूँ। एक्चुअली कोर आईडीज क्यों काम आती हैं, सपोज मान लीजिए मैंने इसमें नया रिबन लगाया है और नया रिबन हमारा हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, ये देखिए ये हमारे मान लीजिए कि हमने नया रिबन लगा दिया है, तो नया रिबन लगाने के बाद ये सेम अगली एक्सेसरीज आगे लगाई जाती है। पर हम इस कोर आईडी का क्यों यूज़ करते हैं वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम कोर आईडी सबसे पहले आगे वाले एक्सेसरीज में खाली कोर आईडी इसलिए लगाते हैं, ये आप देख पाएंगे कि मैंने ये कोर आईडी इस एक्सेसरीज में किस लिए लगाई है, वो कारण भी मैं आपको अभी जस्ट बता देता हूँ। तो मैं आपको इन दोनों चीज़ बता रहा था। पहले क्या होता है कि जब भी कोई नया रिबन आता है उसको हमें यूज़ करना होता है, एक्चुअली केवल इसकी ऑलरेडी लेंथ इस एसेसरी से लंबी है क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी ज़रूरत हमें जब पड़ती है जब वो एसेसरी रिबन ख़त्म हो जाता है तो वो आगे आ सकता है क्योंकि ये इसकी लेंथ थोड़ी ज़्यादा है। तो इसी को मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट फिट हो गया है एक कोर आईडी, ये हमेशा नए रिबन की जो वेस्टेज रिबन होती है ये उसको रिवाइंड करता है साथ के साथ जब प्रिंट प्रोसेस चल रहा हो, और उसके बाद जैसे ही आपका रिबन ख़त्म हो जाता है तो आप इसको निकाल करके इसको डस्टबिन में गिर सकते हो। उसके बाद जो जैसे ही आपका रिबन प्रोसेस यहाँ से ख़त्म होता है तो वहाँ पे एक सेम ऐसी कोर आईडी निकलती है, वो रोल के अंदर ही होगी। तो हमें क्या करना है, हमें उसी प्रोसेस को उठाना है और आगे की तरफ वापस से इसके साथ इस एसेसरीज के साथ ही उसको वापस से लगा देना है और लगा के सेट कर देना है और नया रिबन हमें फिर से यहीं लगा देना है। सेम यही प्रोसेस रहेगा, ख़त्म होगा निकालना है, वेस्टेज करना है, नया लगाना है, ख़त्म होगा निकालना है, 10 मिनट में गिर देना है। ये इसका प्रोसेस है लगाने और लगाने का। हाफ इंची कोर आईडी का भी मैं आपको बता देता हूँ, हाफ इंची कोर आईडी में इन एसेसरीज की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि अगर आपका हाफ इंची कोर आईडी में रिबन आएगा तो वो हाफ इंची कोर आईडी में आएगा तो वो आप नीचे लगा सकते हो इस तरह से। मान लीजिए न्यू रिबन है आपका, ये लग चुका है यहाँ पे, यहाँ लगाने के बाद आप यही प्रोसेस जो मैंने आपको कोर आईडी खाली कोर आईडी का बताया है सेम खाली कोर आईडी का प्रोसेस यही होता है। ये दोनों ही कोर आईडी बेस यूज होते हैं, 1 इंची कोर आईडी और हाफ इंची कोर आईडी। तो
दोस्तों मैंने आपको इसमें रिबन और रोल लगाने का जो तरीका होता है वो मैंने कैसे लगाते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसे प्रिंटर को ऑन करने के लिए एक सेटअप होता है, अडैप्टर और केबल, ये ऑन करने के लिए होता है। ये एसेसरीज हैं जो इसके साथ आती हैं। ये रिबन पोजिशन, रोल पोजिशन मैंने आपको दिखाया था कि ये किस पोजिशन पर और किस तरीके से लगता है। दैन इसके साथ एक यूएसबी केबल भी आती है। यूएसबी केबल जो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप दोनों में से कोई भी चीज़ उससे इसके साथ कनेक्टेड होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अब इस प्रिंटर की अगर आपको नीड हो तो हमारे नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पे जाकर के ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।